हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भैया आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बढ़िया हूँ, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपने लिए कुछ कार खरीदने के लिए। आपको याद होगा कि पटवारी ने मुझे एक नोटों से भरा हुआ बैग दिया था और उस बैग को जब मैंने हासिल किया तो मैं काफी ज्यादा अमीर हो गया। तो भैया मैंने सोचा कि अपने घर के बाहर कुछ गाड़ी चाड़ी खड़ी कर देता हूँ। तो भैया अभी मैं जा रहा हूँ जल्दी से बुकटी का बुकाटी कार लेने के लिए। तो भैया थोड़ा ही दूर बुकाटी कार का शोरूम आने वाला है, तो सबसे पहले मैं खरीदूंगा बुकाटी कार। तो भैया ये आ गया मेरे सामने बुकाटी कार का शोरूम। अब जल्दी से यहाँ पर मैं जाता हूँ और भैया इसके ओनर से बात करता हूँ और बोलता हूँ, भैया मेरे को भी एक गाड़ी दे, मेरे को भी गाड़ी चाहिए। तो मतलब चाहिए, और ये क्या हो रखा है भैया, ये मतलब यानी कि बुकाटी कार को ये क्या हो गया, पिछवाड़ा कैसे इसका उड़ गया। तो भैया गाड़ियों के रंग तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो रखे है भैया, अब यहाँ पर मुझसे बिल्कुल चबड़ नहीं हो रहा था, अभी जाता हूँ भैया। तो भैया इसके ओनर से मेरी बात हो गई है और ओनर ने मुझे बोला है आप आराम से शांत से अपने घर जाओ, मैं आपका पार्सल आपके घर भिजवा दूंगा। तो भैया यहाँ मुझसे बिल्कुल सबर नहीं हो रहा क्योंकि मुझे खरीदनी है और भी कार। तो यहाँ पर अपना खतरा मतलब यार बहुत ही जबरदस्त करके बाइक उठा लेता हूँ और अब मुझे यहाँ पर जाना है लैम्बोर्गिनी के शोरूम पर। तो भैया कहाँ पर है लैम्बोर्गिनी? अरे वाह जबरदस्त हो गया भैया, ये सामने खड़ी रखी है लैम्बोर्गिनी। तो जल्दी से भैया यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर मतलब बाइक को पार्क कर लेता हूँ। तो भैया यहाँ अपनी बाइक रोक देता। अरे नहीं भैया यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चंपे पड़ेंगे मुझे। तो भैया ये क्या है? अरे ये तो गेट है, चलो थोड़ी साइड में रोकता हूँ भैया, सामने कोई ये कौन, चलो खैर छोड़ो भैया क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा अमीर होने वाला हूँ, तो अब ये लफड़े फड़े में मुझे नहीं पड़ना। मेरी आंखों में तो सिर्फ लैम्बोर्गिनी घूम रही है। और वाह यार जबरदस्त, क्या आउट क्लास के लग रहे हैं। तो भैया मुझे इसके ओनर से जल्द बात करनी होगी और यहाँ मुझे एक गाड़ी खरीदनी होगी। तो भैया कहाँ है इनका गेट, कहाँ है इनका दफ्तर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये है बिल्डिंग, वाओ यार जबरदस्त, क्या आउट क्लास हो रखी है। तो भैया सामने इसका गेट है, मैं जाता हूँ ओनर से बात करता हूँ। तो भैया हमने इनके ओनर से बात कर ली और ओनर बहुत ही ज्यादा खड़ूस था भैया, उसका नाक के नथड़े भी बहुत बड़े बड़े थे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ से एक कार खरीद ली है। तो भैया मैंने गाड़ियों का कौन सा कलर सेलेक्ट करा है वो वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। अब मुझे बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है तो फौरन से अपनी बाइक की तरफ भागता हूँ और भैया यहाँ पर मुझे जाना है रोज रॉयल के शोरूम पर। तो भैया रोज रॉयल के शोरूम पर जाऊंगा और वहां पर जाके मुझे गाड़ी खरीदनी है अपने लिए। ओ वाओ जबरदस्त, तो भैया ये आ गया रोज रॉयल का शोरूम, क्या आउट क्लास की कार है। तो भैया यहाँ मैं करीब जाके भी आपको दिखाता हूँ भैया कितनी प्यारी प्यारी कलर की कार खड़ी हुई है। तो भैया यहाँ से मुझे खरीदनी है कोई अच्छी सी कार। तो भैया ये रोज रॉयल पता नहीं क्या, मेरे को तो नाम भी नहीं आता इस गाड़ी का। खैर है कोई बात नहीं, जब चलाऊ मुझे नाम से क्या रखा, हमें तो चलाना है भैया, कुछ भी हो जाए, नहीं चलानी आएगी तो ड्राइवर रख लूंगा। तो भैया यहाँ पर अभी मुझे जाना है इसके गेट में और यहाँ पर मुझे इसके ओनर से बात करनी है। तो भैया मैंने इसके ओनर से बात कर ली, क्या है या हबीबी शेखा ऐसा कुछ था भैया। तो ये तो सऊदी अरब का ओनर है, बहुत ही ज्यादा अमीर तरीन बंदा है, बहुत ही अच्छे अखलाक से मिला और इसने बोला कि भैया आप घर जाओ, मैं फौरन से ट्रक में आपकी गाड़ी रख के घर पे भिजवा रहा हूँ। तो भैया यहाँ पर मैंने सब कार का ऑर्डर दे दिया, मुझसे सबर बिल्कुल भी नहीं हो रखा है। तो भैया मैं निकलता हूँ अपने घर की तरफ और घर जाके मुझे इंतजार करना है कि कब ये गाड़ियाँ मेरे घर पे पहुंचे और मैं अमीर हो जाऊँ। तो भैया बहुत ही मजा आ रहा है और झूम रहा हूँ, लहरा रहा हूँ, मटका रहा हूँ और भैया वो सामने जो आ रहा है आप समझ गए होंगे कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ। तो भैया ये तो यूं समझो एक रसम है ना, तो ये मैंने रसम भी अदा कर ली और ये ओ जबरदस्त हो गया भैया, मैं बिल्कुल भी नहीं गिरा, मैं जाता हूँ घर की तरफ। तो भैया अब ये सामने मेरा घर आ रखा है। तो भैया यहाँ पर मुझे जल्दी से बाइक को अंदर ले जाना होगा और मुझे वेट करना होगा, लेकिन भैया एक मिनट मुझे यहाँ पर थोड़ा सोचने दो, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने तीन कार का ऑर्डर किया है। तो भैया गाड़ियों को किस तरफ रखूंगा, वो सामने की तरफ रखना है यहाँ रखना है, खैर मुझे समझ में नहीं आ रही, पहले गाड़ियों को तो आ जाने दो फिर समझूंगा कि करना क्या है। तो भैया मेरी कुची यहाँ पर टेढ़ नहीं रही, मेरी कुची जो है ना वो अंदर से मटक मटक के एकदम से बाहर आ रही है। तो भैया अभी मुझे जल्दी से ऊपर की तरफ जाना होगा और भैया पुड़ पुड़ करके मैं सीढ़ियां चढ़ गया जबरदस्त करके और यहाँ पर मुझे लग रही है बहुत ज्यादा ही भूख। तो भैया बाहर की धूल मट्टी भी पूरे मुंह पे चिपक गई है और यहाँ पर मैं धो लेता हूँ हाथ। तो भैया मैंने अपने हाथ धोना और मुंह हाथ धोना शुरू कर दिया भैया, अब यहाँ पर कुछ खा लेता हूँ। तो भैया क्या है खाने में? अरे वाह यहाँ तो मुर्गी पकी हुई है दो टांगों वाली।
2 घंटे गुजर गए और अभी तक मेरा पार्सल नहीं आया। एक काम करता हूँ, मैं इनको कॉल मिलाता हूँ और बोलता हूँ कहाँ है भैया मेरा पार्सल किधर गया। तो जल्दी से मैंने इनका नंबर टाइप कर दिया। भैया हेलो भैया, क्या हुआ? आपने मुझे कहा था कि 2 घंटे में आपका पार्सल पहुंच जाएगा, अभी 2 घंटे हो चुके हैं, तो भैया किधर? आप बोल रहे हो भैया मेरा पार्सल आ गया क्या? अरे जबरदस्त भैया, बहुत ही शुक्रिया आपका। ये भैया जबरदस्त हो रखा है, अभी मुझे जल्दी से नीचे जाना है और अपनी गाड़ियों को देखना है। भैया मेरी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, तो भैया कौन सा कलर है वो अभी मैं आपको नीचे जाकर ही दिखाऊंगा। मैंने एक ही कलर की गाड़ियाँ मंगवाई हैं। तो भैया ये मेरा कटार, अब तो कटार ही हो गया क्या? अरे भैया ये रही मेरी गाड़ी और मेरा पार्सल मेरे घर में आ गया, जबरदस्त हो रखा है। भैया मैंने ब्लैक कलर ही सिलेक्ट करा था, सारी गाड़ियां एक ही जैसे कलर की हैं और आउट क्लास लग रही हैं। तो भैया ये मेरी लैम्बोर्गिनी, ये है बुगाटी, और वो सामने कौन सी? अरे भैया ये है रोल्स रॉयस। अरे भैया रोल्स रॉयस ब्लैक कलर में बहुत ही ज्यादा आउट और बढ़िया लग रही है, आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो भैया यहाँ पर अभी मैं अपनी खुशी का भी इजहार करने वाला हूँ। तो भैया ये भैया अमीर हो गया। अरे भैया इतना खुश हो रहा था मैं, ये किसकी कॉल आ गई? अभी उठाकर बात करता हूँ, किसने अपनी मौत को याद किया है। हाँ भैया कौन हो? ए तमीज से बात कर, मैं बंगला गैंग से बात कर रहा हूँ। मंगला? मंगला कौन? ए मंगला नी, बंगला गैंग। पहली बार हुआ इसलिए तेरे को छोड़ता हूँ, अभी सीधा काम की बात करते हैं। मेरे को पता चला है तू अपने एरिया में 3 गाड़ियाँ लेकर आया है, चल चाबास जल्दी से 3 कोका बेच वरना तेरी गाड़ियां मैं गायब कर दूंगा। ए मंगला बंगला जंगला, तू जो कोई भी है मेरे से क्यों कोका मांग रहा है? मेरे तो खुद के घर में माचिस नहीं है, मैं लाइटर यूज करता हूँ। ए लगता है कि तूने अभी तक बंगला गैंग का नाम नहीं सुना, अभी तेरे को पता चलेगा कि तूने कितने पंगा लिया है। ए मंगला बंगला जंगला, तू कोई भी होगा अपने एरिया का दादा होगा, यहाँ का दादा सिर्फ मैं। कौन? जोनी भाई। तूने अभी तक जोनी भाई का नाम नहीं सुना, तूने गलत नंबर पे डायल किया रे। चल फिर फोन रख, तेरे को अपनी पावर दिखानी पड़ेगी रे। ए जंगला फोन तूने किया है तो रखेगा भी तू ही। अरे भैया ये कौन आ गया अपने एरिया में? खैर जो भी आएगा देख लूंगा सबको। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।